न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बीते दिन रेवाड़ी के न्यू सराफा बाजार में दो व्यापारी भाइयों पर दिन दहाड़े सरे बाजार हुई जानलेवा हमले की घटना ने जहां शहरवासियों को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं इस घटना के बाद व्यापारी वर्ग खासकर सैनी समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। गुस्साए सैनी समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अगले दो दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सैनी समाज चुप नहीं बैठेगा। इसे लेकर आज सैनी स्कूल में समाज के प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक भी आयोजित की गई। बैठक के बाद भारी संख्या में सैनी समाज के लोग एकत्र होकर हमले में घायल हुए व्यापारी भाइयों का हालचाल जानने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह जानलेवा हमला अकेले सैनी समाज पर नहीं बल्कि तमाम शहरवासियों और व्यापारी वर्ग के लिए चिंता का विषय है कि दिन दहाड़े बदमाश शरे बाजार इस तरह की वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं और घटना को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार तक नहीं कर पाती है। उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अगर अगले दो दिनों में पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो सैनी समाज चुप नहीं बैठेगा और बदमाशों का डटकर मुकाबला किया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है या फिर सैनी समाज को इस घटना के विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सैनी पब्लिक स्कूल में सैनी समाज के गणमान्य लोगों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, प्रशासन को दो दिन का समय दिया है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। नरोत्तम और कविता सैनी पर जो हमला हुआ है यह केवल सैनी समाज के लिए ही चिंता का विषय नहीं है अपितु पूरा शहर के लिए ये एक बड़ी चिंता की बात है। शहर में जो अवैध वसूली का एक धंधा चल रहा है उसमें कुछ पुलिस के अधिकारियों की भी संलिप्तता की खबरें समय समय पर आती रही है, उसको देखते हुए समाज का ये मानना है कि सभी सामाजिक व्यापारिक संगठनों को इसमें सहयोग लिया जाए और आगे की रणनीति बनाई जाए। फिलहाल हमने दो दिन का प्रशासन को टाइम दिया है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और वीरवार को सैनी चौपाल मुक्ति वाड़ा में सैनी समाज के सभी गणमान्य नागरिक इकट्ठे होंगे और वहां से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। क्या जो सामने आई है ये पूरा परिवार जो है बड़ा शांतिप्रिय परिवार है और नरोत्तम और कविदत्त ने जो दुकान पर ये बैठे हैं वो एक ट्रस्ट की दुकान थी जो इनसे आरोपियों से खाली कराई ली गई है। उसके बाद इन्होंने दुकान ले ली तो उसी से ही ये रंजिश रखते थे और केवल मैंने पहले कहा कविदत्त का नरोत्तम का मामला नहीं है, ये पूरे शहर में जो एक आतंक मचा रखा है अपराधियों ने उसके उसकी चुनौती का मुकाबला करने का समय है। सभी हमारे साथियों ने ये फैसला लिया है कि पूरा समाज पीड़ित परिवार के साथ है, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करेंगे या जो भी इनको आवश्यकता महसूस हुई और इनका बदमाशों का डटकर मुकाबला करेंगे। ये घटना आज की नहीं है, पिछले दो साल से इनका प्रोग्राम था। ये लोग सिर्फ इस दुकान में कब्जा करना चाहते हैं, इससे भी इन्होंने पहले भी कब्जा किया था, बार को ट्रस्ट कोर्ट में हार गए थे, दो साल पहले भी इन लोगों ने इस पर ताड़ा लगा दिया था और दो साल से रंजी सकते इस परिवार से। और कल इन्होंने फिर प्लान बना के कुल्हाड़ी से डंडों से रोड़ों से इन पर हमला किया है और ये तो इन लोगों का पूरे शहर में आतंक है, बुराई है ही। मैं पिछले दिनों जब इनका समझौता आया उसमें भी एक अधिकारी का नाम आया था और कल भी एक अधिकारी का नाम है, अपने दुकान उनकी दुकान पे ताड़ा लगा दिए इन लोगों ने। अरे एक अधिकारी कह रहा है कि अपना ताड़ा खोल लो नहीं तो उनका कब्जा हो जाएगा, अगर ताड़े लगाने से कब्जा होता है तो हम पूरे शहर में अपना ताड़े लगा देंगे, क्या कब्जा हो जाएगा? इन लोगों की शुरू से मंशा थी और कल तो इन्होंने इनको तो मार के घेर दिया था, ये तो भगवान का भला हो कि ये जीवित रह गए। मैंने तो कल भी बताया था कि ये पूरे व्यापार मंडल पूरे व्यापारियों पर हमला है, ना कि सैनी समाज पे हमला है, ये व्यापार मंडल पे हमला है। आज व्यापारी डर और आतंक के साए में जी रहा है, इसकी ये घटना आपको इसका उदाहरण है। और आज हम ये सारे समाज के लोग इकट्ठा होने आए हैं और हम अन्य समाज के लोगों से भी जो भी छत्तीस बिरादरी के, मैं तो ये कहता हूँ अपराधी को कोई जात नहीं होती, ना कोई धर्म होता है, अपराधी अपराधी होता है वो चाहे किसी भी जात से संबंधित करता हो। और अपराधी को मैं तो पुलिस से मांग करने ये आए हैं कि आज हमारे प्रधान जी और मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि उन अपराधियों को तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, अगर गिरफ्तारी में जरा भी कोताही बरतेगा तो समाज चुपचाप नहीं बैठेगा, समाज नहीं पूरा रेवाड़ी शहर के लोग व्यापारीगण चुपचाप नहीं बैठेंगे। और आपके चैनल से हम ये मांग करते हैं कि उन इन जो पीड़ित परिवार है जिनके साथ जिनकी ज़िंदगी खराब कर दी इन्होंने, उनको 20 लाख की राशि सरकार की तरफ से इनको मुआवजा दिया जाए, अगर मुआवजा राशि नहीं दी गई
तो हम सैनी समाज के लोग, अन्य बरादरी जो भी हमारे समाज के संगठित लोग हैं, चाहे अन्य ट्रेड एसोसिएशन के लोग हैं, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं पूरे शहर को बंद कराने के पूरा प्रयास किया जाएगा।